Good morning, students. Welcome to the online classes. Chemistry present in Student College. So this video is for class 3, and this is the English language video. So here I am going to start second assessment. So according to your syllabus, your first chapter is chapter 6, which is kinds of sentences. So before starting about kinds of sentences, I want to repeat something, that is sentence. So in the previous classes, I was described about the sentences. So what is sentence? Sentence is a group of words that arrange with the correct sequence of the word. What is the correct sequence of the word? There is a subject, verb, and object. So when we are making a sentence, the sequence of sentence words is most important to make a complete sense. अगर आपको कोई सेंटेंस किसी को बोलना है या फिर लिखना है तो उसके लिए कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए. कंप्लीट सेंस निकलने के लिए सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सीक्वेंस ऑफ द वर्ड में आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इफ यू आर मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस वेयर यू पुट नॉट. इफ यू आर मेकिंग अ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप कैसे वर्ड्स को अरेंज करोगे. सो फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी आर पुट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, then main verb, then object, and the most important is question mark. In, at the last of the sentences we put the mark, that is question mark. So ye aapke sentences bante hain. Ab kinds of sentences ki kya, there are four kinds of sentences. Sentence group of word hai jo correct sequence mein arrange hota hai jisse hum logo ka complete sense nikalti hai. But wo kitne type ke hote hain? Four type ke. First is assertive, interrogative, exclamatory and imperative. Assertive क्या है? Assertive normal sentences होते हैं. State a fact, habitual action, universal truth और opinion. आप किसी person को अपना opinion दे रहे हो. कोई ऐसे sentences जो कि universal truth है. कोई आप किसी के बारे में कुछ बता रहे हो. कोई habit है किसी की. तो ये सारी जो एक fact है, ये जो normal sentences होते हैं जो लोग normally बातचीत में use करते हैं, कि assertive sentences होते हैं. ठीक है, तो जब ये सेंटेंस खत्म होते हैं लास्ट में हम लोग वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं. विच मार्क वी आर यूजिंग? फुल स्टॉप. सो ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग बात करते हैं. कोई हैबिचुअल है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी का ओपिनियन है. सो ये सारी चीज़ें असर्टिव सेंटेंस में आती है. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वॉट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज आस्क फॉर क्वेश्चन. इफ वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हम लोग किसी क्वेश्चन को, किसी पर्सन से कोई सवाल कर रहे हैं या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं बट लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते. तो आपके वहाँ नंबर कट सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग नॉर्मली किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो समझ में आता है, बट हम लोग अगर लिख रहे हैं, अगर वहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ड फर्स्ट यूज़ हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है फॉर शोइंग कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर एक्सप्रेसेस अ सडन और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी है या वो बहुत ज़्यादा दुख है, अचानक से किसी पर्सन को कोई चोट लग जाती है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वर्ड्स यूज करके दिखाता है. अगर किसी पर्सन को चोट लगी, ही सेड आउच, तो ये वर्ड्स क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं. ठीक है, कोई पर्सन कोई सीनरी देख रहा है या फिर कोई व्यू है, आप कहीं पे घूमने गए हो आप, या हिल्स हैं, जो चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं, वाह. सो ये सारे वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं. दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर किसी सेंटेंस में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हो या फिर किसी सेंटेंस में ये मार्क आया है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंसेस. एंड अगर कोई सेंटेंस आप बना रहे हो तो ये मार्क लगाना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज
or habitual act or universal truth or opinion. You put the full stop at the last of the word sentence, so that is exclamation, assertive sentences. But when you are asking a question, that is interrogative. When you are showing your feeling or certain feelings, that are exclamatory sentences. But when you are showing a command or offer or request or warning, that are imperative sentences. Clear? So if you understand about the kinds of sentences, then solve this exercise. First is how nice of you. How nice of you. So ye, yahan pe, last me, mark bhi laga hua hai. This is exclamation mark. But I told you, imperative sentences may be ye mark aata hai full stop ya nahi mark aata hai. Theek hai, so how I identify ki ye kaun sa sentence hai, imperative hai ya exclamatory hai. Yahan pe word use hua hai how, tum kitne acche ho. To ye hamari feelings hai, theek hai, kisi person ko dekh ke mujhe mehsoos hua ki wo acha hai. So this is imperative sentences. Next, the woman looked at her reflection in the water. मैं normal sentence बता रही हूँ, किसी person के बारे में बता रही हूँ, अपना opinion दे रही हूँ. So the woman looked at her reflection in the water. वो water में अपने reflection को देख रही है. So this is normal sentence. Assertive sentences. Next, whose shoes are you wearing? तुम किसके शूज पहने हुए? क्वेश्चन के जगह लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है. दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो प्लीज, यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है. सो इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट किया जा रहा है. बट जो क्वेश्चन सेंटेंसेस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, वहाँ पे WH वर्ड भी पहले आता है, what, who, whose, which, या फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ड पहले यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट यूज करते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, whose shoes are you wearing, तुमने किसके जूते पहन रखे हैं. बट सेकेंड में वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो प्लीज, रिक्वेस्ट भी की जा रही है प्लस क्वेश्चन भी किया जा रहा है कि क्या आप कृपया विंडो को क्लोज कर देंगे. सो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज माय फादर बॉट मी अ न्यू बाइसिकल. मैं अपने बाइसिकल के बारे में बता रही हूँ जो मेरे फादर ने मुझे ला के दिया है. नॉर्मल सेंटेंस है. सो दिस इज असर्टिव सेंटेंसेस. यू शुड हेल्प दोस इन नीड. किसी जरूरतमंद की तुम्हें मदद करनी चाहिए. तो ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, बताया जा रहा है. दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस. अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपको आई कैन लिखना है, अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको ओनली आई लिखना है. सो दिस इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पे एक कमांड दी जा रही है. हाफ सम चॉकलेट में ऑफर किया जा रहा है. This is also imperative sentence. दोनों में full stop लगी है, but command किया जा रहा है, offer किया जा रहा है. Go away. Last में exclamation mark लगाओ, exclamation mark लगाओ. So this is exclamatory sentence. No, because यहाँ पे go away उसे जाने के लिए कहा जा रहा है एक warning के साथ. यहाँ पे ये कोई sudden feelings या फिर